हेलो आजो 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 चलो 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 एक अच्छा न्यूज है आपके लिए आज हमारा FIR ऑफिशियली रजिस्टर्ड हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस गुड मॉर्निंग अभी जा रहा हूँ मैं मॉर्निंग वॉक पे और ये देखिए हाथ में मैंने ले लिया अपने गोगो के लिए रोटी और अपना डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं आज का दिन फिर बढ़िया लग रहा है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक का समय है ये देख सकते हैं आप लोग नज़ारा सो गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग मैं हूँ आपका फ्रेंड आदित्य आप देख रहे आदित्य डी विडी और मम्मी हमारे साथ हाय गुड मॉर्निंग और ये गाइस ये देखिए यहाँ पे कुलानगर में DAV स्कूल के पास यहाँ आई लव BCCL करके यहाँ नया लगा है कुछ तो कुछ लोग आके फोटोग्राफी भी कर सकते हैं हे गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग मैं हूँ आपका फ्रेंड आदित्य आप देख रहे हैं आदित्य DVD और गाइस आज मॉर्निंग का समय है दोस्तों सुबह सुबह 5 बज रहे हैं हम लोग DAV पार्क के सामने आए हुए हैं और दोस्तों काफ़ी बढ़िया मौसम हो गया इसलिए मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग आज यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया हो गए बहुत ही हेल्दी हो गए चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं एक स्माइल के साथ और कहते हैं जय श्री राम जय श्री राम जय माता दी ओम नमः शिवाय सो गाइस ये देखिए अभी हमने नीम पत्ता तोड़ा है थोड़ा इसका जूस बनाएंगे फ्राई करके खाएंगे इसे और यहाँ से हमने तोड़ा है अभी तो जंगल हो गया पहले थोड़ा क्लियर था आ गया गोगो आ गया गोगो नीम मत खाओ तुमको बहुत कड़वा लगेगा ये देखिए गाइस एक बस का आगे शीशा ही नहीं है बस चल रहा भगवान भरोसे फूल तोड़ के लाए मम्मी दिखाइए लाल है पीला है पर्पल है सब घर में ही हो जाता पूजा का ये गाइस मम्मी करेला का जूस लेकर के आई है करेला में नीम का जूस सॉरी नीम का एक ही बात है एक के बाद कैसे इससे ज्यादा कड़वा है और सप्ताह में दो बार पीना चाहिए बस हो गया खत्म कहानी कुछ नहीं पता चला झूठ बोल रहा है सो गाइस गर्मा गर्म नाश्ता कर लेते हैं यहाँ पे 3 पराठा दही और ये नेनुआ चना की सब्जी है नहा कर पूजा करके रेडी हो चुके हैं अब चलिए जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे सो गाइस वेलकम बैक अगेन मॉर्निंग वॉक से आ चुका हूँ दोस्तों कुछ कुछ अपलोड का कुछ कुछ बचा हुआ था टाइम से मैंने अपलोड भी कर दिया है और थैंक यू आप ही को दोस्तों बहुत क्योंकि एक मेरे प्यारे सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे बार बार डांट डांट करके आदत दिला दी है अब टाइम से वीडियो अपलोड करने के लिए तो थैंक यू उनको भी सो मच तो वीडियो अपलोड हो गया अब जा रहा हूँ मैं सब्जी लाने के लिए सब्जी लाने कहाँ जा रहा हूँ छत पे ही आया हूँ ये देखिए अब मौसम तो दोस्तों आज क्या ही बताएं यार धनबाद आई लव यू धनबाद कुछ बैंगन तोड़ने के लिए ये देखिए यहाँ पर आपको करेली दिखेगी दोस्तों फ्रेश ताज़ा होम एकदम होम का घर का यहाँ बैंगन से दोस्तों छोटे छोटे ये वाले नहीं तोड़ेंगे हम ये बड़े वाले ले लेते हैं इसको मम्मी आलू का चोखा में डालेगी चटनी में तो दोस्तों ये देखिए कैसा होता है इसका पत्ता पेड़ पौधा अगर जो नहीं जानते वो देख सकते हैं करेली तोड़ लेते हैं करेली का भुंजिया बन जाएगा थोड़ा सा ये वाला थोड़ा सा ले लेते हैं चबाने में बहुत मज़ा आता है लेमन ग्रास नींबू नींबू जैसा लग रहा है और ये भी कुछ और मिट्टी ला कर रखा हमने सो गमले में डाला जाएगा तो गाइस अभी सब्जी मंडी में आ गए सब्जी लेने के लिए स्टील गेट और अभी कुछ देर पहले जस्ट यहाँ पे बारिश हुआ था देखिए पानी पूरा जम गया तो अभी तो धूप है पर बहुत ही कड़क धूप है बट उधर से बादल आ रहा है दिख रहा है पूरा मम्मी पीछे सब्जी वगैरह ले रही है तो गाइस अभी हम लोग बाहर से फिश लेकर के आ गए हैं मम्मी ने अभी फ्राई कर दिया बढ़िया से इतना बचा हुआ है और यहाँ पे इतने फ्राई हो गए हैं सो हे गाइस वेलकम बैक अगेन और दोस्तों अभी बहुत ही बढ़िया बारिश हुआ है दोस्तों मतलब क्या ही बताओ बहुत मस्त मौसम हो गया है पूरा अपना धनबाद का दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर लेके आया हूँ मैं यानी कि हाँ बहुत ही बढ़िया खबर दोस्तों अर्जुली जो है अर्जुली ब्लॉग्स जो है आप लोग जानते हो मैंने बताया अभी कुछ दिन 2 दिन पहले ब्लॉग बनाया है और उसे बहुत ही अच्छा बहुत ही शानदार दोस्तों बहुत ही प्यार भरा रिस्पांस आया सबका 2K+ व्यूज़ आया उसमें तो दोस्तों मेरे लिए बहुत ही खुशखबर की बात है दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है थैंक यू सो मच दोस्तों आप लोगों ने मतलब समझा कि हाँ
भाई वीडियोस बनाता है, मेहनत करता है, तो आपने टाइम देकर देखा, थैंक यू सो मच। गैस खुशखबरी ये है कि FIR दोस्तों दर्ज हो चुका है, मतलब रजिस्टर FIR #register FIR। वो मोहल्ले को लेकर के सोसाइटी वाला जो हैरेसमेंट बुलिंग हुआ था दोस्तों, और ट्रेस पासिंग वगैरह और मारने की धमकियां दिए जा रहे थे दोस्तों, सबके सपोर्ट और सबके प्यार से दोस्तों सक्सेसफुली उनका केस रजिस्टर हो गया है। काफी सारे क्रिएटर्स ने सपोर्ट किया है, जस्टिस हुआ दोस्तों, उन लोगों जस्टिस का मांग हो रहा था, जस्टिस हो गया। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोस्तों, जितने लोगों ने सपोर्ट किया है। और सही में दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब यूनिटी देख करके अभी भी हैं, मतलब जो लोग समझते हैं बातों को, सब एकजुट होकर के सही और गलत का फैसला कर सकते हैं दोस्तों, जो भी है। और ये दोस्तों खास करके सोशल मीडिया के थ्रू, और या आप लोगों को भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन अर्जुन और जूली, चलिए होप फॉर द बेस्ट एंड बहुत ही अच्छा हुआ, जो भी होता अच्छा ही होता है। चलिए बाकी लोगों को सीखने को मिला, एग्जाम्पल आप लोगों ने सेट कर दिया दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए अभी चलते हैं नीचे, और बाल तो ठीक ही हो गया, मतलब पहले से बाल ठीक ही रहा, बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि बाल अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। और चलिए फिर जैसा होता हम दिखाते हैं बाहर अगर जाएंगे तो। प्यार कीजिए एक दूसरे से, प्यार बांटिए यार, प्यार लीजिए, प्यार दीजिए, और क्या बचा है दुनिया में, वॉर को हटाओ साइड में और प्यार बांटो लोगों में। चलिए थैंक यू सो मच, और जैसा होता हम आपको दिखाते हैं, आप लोग क्लिप देख लेना दोस्तों। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग खुद अर्जुन और जूली लोग ने कहा है, आ जाओ चलो चलो चलो। ओके गाइस, सो आज 10वां दिन है सब आगे की प्रोसेस का स्टार्ट करने के लिए, तो चलो ये अपडेट है। सो जूली इज इन द पुलिस स्टेशन। ओके, तो एक अच्छा न्यूज है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। आज हमारा FIR ऑफिशियली रजिस्टर्ड है, तो आज से प्रोसेस स्टार्ट किया। Finally। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ये सपोर्ट, अगर हम अकेले होते ना, आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो ये तो कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जब मैं जेल में था ना, तो तब तो मैंने उम्मीदें छोड़ दी थी, जब मैं बाहर आया ना उसके बाद मेरे को तो जितना मैंने सपोर्ट देखा ना बाहर आके, हम बहुत खुश हुए, हम ब्लेस्ड थे, आप जैसी ऑडियंस पाके हम बहुत खुश। हेलो, the lizard came out of Ganesh ji. understand you're tired of this the key nahi sir ये चाबी है, एक ही चाबी है, बाकी चाबी। और दोस्तों जिन लोगों ने भी उन लोगों के साथ बुरा किया है ना दोस्तों, भगवान देख रहा है, इसके साथ लोग, मतलब कि पूरे केस में अर्जुन और जूली का एक भी मतलब गलत नहीं दिखा कि हाँ प्रेशर में आके या फिर डर के या फिर घबरा करके कुछ गलत काम उठा लियो, कुछ गलत कदम उठा लियो, समझदारी के साथ पूरा रिएक्शन किया दोस्तों, जो काफी अच्छा लगा मुझे, काफी सीख लेने लायक मिला, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। और ये मेरे कमरे से दोस्तों मैं दिखाना चाहूंगा, ये व्यू बहुत शानदार लग रहा है यार, बैठ के अपना पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ नॉलेज वाला वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर बैठ करके, और काफ़ी अच्छी ठंडी हवा आ रही है, तो ये कभी कभी आ जाता हूँ मैं यहाँ बैठने के लिए, काफ़ी बढ़िया सा स्पॉट है। सो गाइस अभी चलिए एसी साफ कर लेते हैं, काफ़ी दिन हो गया है और साफ करते रहना चाहिए दोस्तों, बीच बीच में हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, थोड़ा सा रहते हैं मटिया रहते हैं, बट ये भी बहुत खराबी करता है दोस्तों, इसीलिए देखिए ये लगभग 3 महीने के बाद निकाल रहा है इसे, और ऊंचा जाना पड़ेगा, बहुत छोटा हो गया, जाली निकालो अंदर, अंदर में जाली रहता है, वो पतला वाला वो रहता है नीचे, कौन पतला वाला, कपड़ा का रहता है, हाथ डालो ना नीचे, कहाँ यहाँ, यहाँ तो कुछ नहीं है, इसमें नहीं रहता, पापा वाला में रहता है। अच्छा चलो, ये देख, तो ये देखिए गाइस कितना गंद, आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा, पता नहीं, उस साइड होगा ना गंदा, इधर से देखिए, बट आपको दिखा रहे हैं इधर से, ओके इसको यहाँ से बहुत काफी इजीली रिमूव हो जाता है, यहाँ से हल्का सा ऐसे करने से मोड़ दी, और ये देखिए बाप रे बाप, इतना गंदा था ये, और ऐसा एक और है, तो चलिए इसको साफ कर लेते, हटा लेंगे ना, क्या हटा लेंगे, पूरा गंदा गंदा निकल रहा है, एकदम काला काला, और यही दोस्तों हम लोग साफ नहीं करेंगे इसको, यही हवा जब सर्कुलेट होगा अंदर तो फिर भी थोड़ा बहुत डस्ट बाईपास कर जाता है,
और ब्लॉक भी कर देता है इंटेक को, एसी का इंटेक जहाँ से है, इसीलिए काफी अच्छा हुआ, याद दिला दी मम्मी हमको। ये एक रहस्यमय सवाल है, इसका कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको, कि अगर कोई लड़की कैमरा पकड़ती है तो उसको कैमरा वुमेन बोलेंगे कि कैमरा मैन, क्या हमें। तो गाइस इसे अभी हम हल्का सा पोंछ लेते हैं कपड़े से, हो गया बस साफ, और क्या ही करना था, सो लगा देते हैं। ये देखो ना वहाँ से लगाने वाला, फिसवाता है कितना, फिसवाता है कितना, तुम बैठो ना सब वीडियो में आ जाएंगे। सॉरी सॉरी, इधर ला के लगाओ ना, पोछो पहले, ये पानी है ना, पानी किससे आया, ये थोड़ा इससे आया है बस, ठीक है। ये गाइस इसमें ऐसे लगा दिए जैसे निकाले थे, उसी तरह से हम लोग लगा दिए इसे, बस इधर से खिंचाएगा, इधर से निकालेगा बाहर, इधर से थोड़ा और फिर चलाते हैं वैसे भी एसी का हालत तो पहले से ही खराब है, ऑन जल्दी होता नहीं एक बार। सो गाइज आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय।